इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। चीफ है ये, जब ISI के डेप्यूटी थे, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो ये खादिम हुसैन रिजवी, जिसको कि मैं खादिम गालवी कहता हूं, जो मर गया, लबैक का चेयरमैन, इसका मुरीद है ये। इनका इस्लाम, इनका सब ढकोसला, वर्दी पहने हुए बुजदिल नपुंसक, ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूँ जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे, बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची फार्म हाउस पे, जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी, जो गोली इनके कूल्हे पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुश्त पे, कमर के निचले हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छुड़ाई। ये है जी कहानी, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के टॉप के एंकर हामिद मीर ने कहा। हामिद मीर ने ये कब कहा? असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है जिसने कुछ आर्मी की रॉन्ग डूइंग्स के खिलाफ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठाए, कुछ रॉन्ग डूइंग्स पे बोले थे तो उनके घर में घुस के उनको मारा गया और उनकी पिटाई हुई, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ISI ने ये काम कराया है। तो इनके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट किया सारे जर्नलिस्टों ने, वहां पे हामिद मीर ने ये बात खोली कि हमारे मुंह ना खुलवाओ, तुम लोगों के कारनामे हमें पता है। और फिर इन्होंने ISI के चीफ जनरल फैज हमीद की ये स्टोरी बताई। वहां पे आसमा शिराजी भी एक बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कुछ बातें की, जरा सुनिए। बहुत हमें शुक्र गुजार होना चाहिए उन सब लोगों का जिनकी बात अभी मीर साहब कह रहे थे, मैं उनका नाम भी लूं। हम लेंगे नाम, कुछ अरसे में लेंगे, अगर इसी तरह से चलता रहा मामला हम उनके नाम भी लेंगे। वो जो नामालूम सबको मालूम है, हम फिर उनके एक एक करके नाम लेंगे, हम उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन कहां कहां से टेलीफोन करके हमें धमकियां देता है कि फलाने जर्नैल का नाम नहीं आना चाहिए, फलाने का नाम नहीं आना चाहिए, वरना आपके बारे में ये मुहिम शुरू कर दी जाएगी, आपके बारे में ये बात कर दी जाएगी। जनाब आपने जो करना है कर लें, जनाब आपने जितनी गालियां देनी है दे लें, आपने जितनी गोलियां बरसानी है बरसा लें, आपने जितनी कैंपेन्स करनी है कर लें, जितनी किरदार कुशी करनी है कर लें, आपने जो करना है कर लें, लेकिन खबर हो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कि ना हम अगर 3 साल के इस खुफिया दौर में भी हम खड़े रहे हैं तो हम आइंदा भी खड़े रहेंगे। अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं जनाब, अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं, अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक है, ये असद तूर पे आज हमने ये मजम्मत कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, शायद 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद किसी और चीज के लिए खड़े हों। इनके घर पे घुसे, मेरे घर में छलांगे लगाई, मेरे घर के सामने खड़े हुए, मीर साहब को गोलियां लगी, मतीउल्लाह जान को अगवा किया, मतीउल्लाह जान को पता नहीं किस लड़की ने अगवा किया, ये तो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन ये अगवा और लड़की के भाई एक दफा फैसला कर लें कि उनकी बहन को आखिर में जाना किसके साथ है, और मैं बहन को नहीं लाना चाहती इस मामले। इन भिखारियों का
जो बड़े बड़े मिसाइल लेके बैठे हैं, एटम बम लेके बैठे हैं, टैंक हैं तो एयर जेट हैं, तो फाइटर जेट हैं, तो ड्रोन हैं, तो सब कुछ है, खाने को रोटी नहीं है। इन भिखारियों के बारे में आसमा जहांगीर ने सही कहा था, और आसमा जहांगीर को भी इसीलिए मार दिया गया। आसमा जहांगीर ने कहा था कि इस मुल्क में औरतों के राइट्स के लिए बात करना, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बात करना, हर चीज में रिस्क है, सच बोलना रिस्क है, लेकिन आप एक वेजिटेबल एक सब्जी की तरह पड़े रहेंगे तो फिर आप सही है, वरना आप इस मुल्क में बोलेंगे तो खतरे में आएंगे, तो ये खतरे में आए। हामिद मीर ने ये बात की तो हामिद मीर को आज जियो ने नौकरी से निकाल दिया। कैपिटल टॉक जो आमिर मीर का प्रोग्राम है वो मुशर्रफ के दौर से भी पहले की बात है, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए हैं, जियो का चैनल लॉन्च हुआ है तब से ये चल रहा था, आज उसको नौकरी से निकाल दिया। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान। भारत में राणा अयूब और आरफा खानम शेरवानी और बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई और अरुण धत्ती और जिस तरह ये बकवासियात करती है ना, इनको खाली 6 महीने के लिए पाकिस्तान भेज दें, इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि ये किस देश की बुराई कर रही हैं, जहां पे इनको छूट है सब कुछ बोलने की। भारत के इन वल्चर्स पे तो मैं अलग से एक प्रोग्राम कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं। इन भिखारियों का यह हाल है कि इनके बारे में कोई बात करे वो गया। जावेद हाशमी एक सीनियर पॉलिटिशियन है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप देख रहे हैं जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर। तो आपने देखा होगा जो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में चल रही है, हामिद मीर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, मतलब इनका एक प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, जो मतलब लगभग पाकिस्तान में जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है, मतलब ये अर्ली 2000 की बात होगी, तब से वो उनका प्रोग्राम चल रहा है, और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली जनरल फैज़ हमीद की पोल खोलने की धमकी दी थी। ये मामला शुरू हुआ पाकिस्तान में, एक जर्नलिस्ट की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई क्योंकि वो रिपोर्टिंग करता था स्पेशली जो पाकिस्तान आर्मी करती है बलूचिस्तान सिंध और बहुत सारे इलाकों में जो गेम खेलती है पाकिस्तान आर्मी, उसको खुलासे कर रहा था। तो इस तरीके के खुलासे करने पर उसकी हो गई सुटाई, घुस के मारा गया। हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने ये बहुत कम किया, इनको तो इनका जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से तो उसको अभी तक जन्नत चले जाना चाहिए था, लेकिन उसको मारपीट के छोड़ दिया गया कि चल फर्स्ट वॉर देंगे, छोड़ते हैं तुझे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके सपोर्ट में आ गए पूरे जर्नलिस्ट, हामिद मीर ने खुला धमकी दे दी, इस तरीके से करोगे तो फिर हम भी तुम्हारे खुलासे करेंगे, हम भी बताएंगे तुम्हें कैसे तुम्हारी बीबियाँ गोली मारती हैं, जनरल रानी और ये सब फलाना ठिकाना की बात है। शुरुआत में तो ये चीज़ें बहुत लोगों को पता नहीं होंगी, लेकिन जो आरिफ अजाकिया जी हैं, जो पाकिस्तान के ही हैं, जो कराची के मतलब कराची टाउन में जो मेयर थे मतलब इन्होंने बताया ये, तो इन्होंने अच्छे से बताया उस मैटर को, तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हामिद मीर एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन का भी इंटरव्यू लिया है अफगानिस्तान में जाकर, और ये पत्रकार गोली भी खा चुके हैं, कराची में इनको एक बार गोली भी मारी गई थी, और आप समझ सकते हो ये बड़े ही मतलब पुराने पत्रकार हैं। हालांकि इनको इनका भारत को लेकर वही स्टैंड रहता है जो नॉर्मली पाकिस्तान के पत्रकारों को रहता है, मतलब कोई वैसे पत्रकार नहीं है, मतलब पाकिस्तान में अगर भारत को लेकर कई पत्रकार हैं जिनका स्टैंड काफ़ी क्लियर रहता है, कई नहीं बोलूँगा मैं, एक ही बोलूँगा, रौफ क्लासरा उनमें से एक पत्रकार हैं जो मतलब भारत को लेकर वैसा नेगेटिव इंटेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो रूट्स वो इंडिया में ही देखते हैं, पाकिस्तान में ही पैदा हुए उनके पूर्वज, लेकिन वो अपने पूर्वजों को समझते हैं। रॉब क्लासरावस का मैं नाम लूँगा, हसन निसार भी उस कैटेगरी में नहीं आते, हसन निसार एक नंबर का दोगला है, मैं अपने वीडियो में कई बार साबित कर चुका हूँ। हसन निसार मतलब वही समझ सकते हो आप, बिन पैंदी का लोटा है, जैसा देश वैसा भेस हो जाता है वो, तो गाइस आप समझ सकते हो। तो हामिद मीर का ये खुलासा, हामिद मीर को तो जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे पता है कि जियो से वो कई बार निकले हैं और कई बार वापस आए हैं, वो तुरंत 1-2 महीने में सब मामले सेटल हो जाएंगे और फिर से वो जॉब पर आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान की इसमें गलती नहीं है, इमरान खान की कोई औकात ही नहीं है। आपको बता दें, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, रॉब क्लासरा 2-3 साल किसी मीडिया में नहीं थे। पाकिस्तान के ऐसे जर्नलिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करते हैं, उनकी बैंड बहुत बुरी तरह से बजी है। और आपको बता दें, डॉन न्यूज़ ने अभी एक खुलासा किया था कि अमेरिका ने ऑफिशियली बोल दिया है, ऑफिशियली, कि हम पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू वही मुहायदा करेंगे, हमें पाकिस्तान के अड्डे और वगैरह ये मिलेंगे। डॉन न्यूज़ ने तो एक न्यूज़ निकाली जो अमेरिका से आई थी, लेकिन डॉन न्यूज़ पर भी इस पे
पाकिस्तानी मीडिया नाराज़ है। डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का एक अभी इकलौता ऐसा मीडिया हाउस है जो काफ़ी इस तरीके के खुलासे करता रहता है। तो गाइस, इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी मची हुई है पाकिस्तान में, और इस कंट्रोवर्सी के जो रियल फैक्ट हैं आरिफ अज़ाकिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आरिफ अज़ाकिया का अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।